हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज हम लोग बनाएंगे गोल बैगन का भरता। ये देखिए, बैगन है, ऐसे गोल बैगन ले लीजिए। और इसमें क्या क्या सामान लगेगा वो देखिए, हमने सब चॉप्ड करके रखा हुआ है। ये है नमक, कटा प्याज, भरा हुआ मिर्चा जो अचार वाला हम लोग मिर्चा बनाते हैं, और ये है अदरक, हमने इसको घिस लिया है, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा, और ये हरा मिर्चा बारीक कटा हुआ, धनिया की पत्ती भी धुली है और काट लिया हमने। सब कुछ ऐसे कर लेंगे इसके बाद, और सरसों का तेल भी है। अब हम क्या करेंगे, इस बैगन को अगर आपके पास तंदूर है तो उसमें आप तंदूर कर लीजिए, भून लीजिए, और नहीं तो आप गैस पे इसको भून सकती हैं। मैंने तंदूर किया है, अभी आपको मैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए, बैगन को हमने भून लिया है, अब इसका छिलका उतारेंगे और इसके बाद ये सारी चीज़ें अभी मिक्स करते हैं। चलिए छिलका उतार लेती हूँ। ये ऐसे भुना है, ये छिलका ऐसे उतर जाएगा आराम से। देखिए सारा छिलका, इसमें हल्का सा तेल लगा के इसको भूनिए तो सारा छिलका उतर जाता है। ये ऐसे ऐसे भी हम सारे बैगनों के छिलका उतार लेंगे और एक गहरे बाउल में रख लेंगे। देखिए बैगन का सारा छिलका हमने हटा दिया, ये देखिए छिलका है ये, और ये छील के ये बैगन रखा हुआ है। अब चलिए हम लोग इसको सारा मिक्स करते हैं। इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये जो हमने टमाटर चॉप्ड करके रखा है, ये टमाटर डाल देंगे, और अदरक डालेंगे। देखिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, प्याज डालेंगे। आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो थोड़ा कम डाल सकती हैं। अगर प्याज नहीं खाती हैं तो मत डालिए, ऑप्शनल है ये। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप प्याज लहसुन डालें। नमक अपने स्वाद अनुसार, और ये लाल मिर्च, ये भरा हुआ जो हम लोग लाल मिर्चा रखते हैं घर में, वो मिर्चा ये डालने से मसाले का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस सारे को चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, इसको हाथ से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अभी इसमें हम तेल डालेंगे और सबसे लास्ट में धनिया की पत्ती डालेंगे। इस भरते को आप बेसन की रोटी से खाइए, और बिहार में तो ये वाला भरता जो लिट्टी के साथ मिलता है चोखा, उसके साथ ये भरता बनता है। ये भरता बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप भी बनाइए। और ज़रा सा भी आपको कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ लीजिए, आपको जो भी पूछना हो। और मेरे वीडियो को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दिया करें, कमेंट भी करा करें, और कम से कम 3 मिनट तो देखा ही करें। चलिए मिक्स हो गया, और इसमें हम लोग डालेंगे सरसों का तेल। कच्चा, पका हुआ नहीं, कच्चा सरसों का तेल डालते हैं। कच्चा सरसों का तेल इसमें इसका स्वाद जो है बहुत अच्छा कर देता है भरते का, और कच्चा तेल फायदा भी करता है।
डाल दिया तेल, धनिया की पत्ती डालेंगे और एक बार फिर इसको सारा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हो गया बैगन का भरता तैयार, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। गरम गरम रोटी बनाइए बेसन की और इसको खाइए। मैं तो भैया जा रही हूँ खाने। थैंक यू। थैंक